चलते हैं गाइस घर। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी आ रहा हूँ राकेश भाई के पास, उसका इंस्टीट्यूट में उसने बुलाया था कुछ काम, और मेरे कुछ कागज़ थे उसके पास, कागज़ लेकर ले लिए मैंने। अभी आ रहा हूँ, कहीं प्लॉट दिखाने जा रहे हैं, तो आज मिलते हैं राकेश भाई से, क्या बोलता है वो आज। तो गाइस मैं जा रखा था दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास, मेरी आँखों में थोड़ा तकलीफ हो रही थी, तो मैं अभी आया, अभी फ़ोन किया मैंने राकेश भाई को, आ रहा है। अब ये जो रोड जा रही है ये देहरादून से हरिद्वार वाली रोड है, जो ये लेफ्ट वाली है, जो राइट वाली है वो जो है देहरादून के लिए निकल रही है, देहरादून डोई वाला बाने वाला हरा वाला सब जगह के लिए, और ये जा रही है हरिद्वार के लिए रोड। तो इस रोड पर इनका एक छोटा सा ऑफिस है, ये देखो देवभूमि सैनिक एसोसिएशन के नाम से, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, और जिस भी भाई को प्लॉट लेना हो, बेचना हो, ज़मीन लेनी हो, इधर माजरी ग्राफ देहरादून बाने वाला कहीं भी, कृपया इस पर संपर्क करें, मिलते हैं। और घड़ी में बज चुका है, और 2 बजे आ गया था मैं, 4:30 बज चुका है, टीवी लगा रखी है भाई, यहाँ पर ठंडा फर्स्ट क्लास। जो ऑफिस है ये होटल डिलाइट, डिलाइट रेस्टोरेंट के सामने इनका ऑफिस है। आप कहीं पर भी यहाँ पर ऑनलाइन गूगल में नेट पे सर्च करोगे तो दिख जाएगा, ये है इनका ऑफिस। यहाँ टैक्सी सर्विस के ऑफिस में ये ऑफिस, ये इसको कंप्यूटर भी लगा रखा है, ये एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ यहीं लगता है, उसकी चेयर मनी प्लांट है आता है। गाइस ये आपका ऑफिस दिखा देता हूँ मैं आपको, मीटिंग वाला और यहाँ से देखो ये हाईवे साफ दिखाई देता है, अंदर का व्यू है, ये अंदर से क्लियर वीडियो आ जाती है पूरी। ये है होटल टीच लाइट, मैं भी अंदर ही हूँ, ये मेरी बाइक है बाहर, और अभी बढ़िया से चेक कर रही है माइक को, वो बेटा वापस फोन करके आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया भगवान जी के पास, और यहाँ पे पापा जी बोल रहे कि मैंने बता दिया था मेरे को, तो अभी पता ये अंकल जी तो बहुत क्या ही बोल रहे हैं, अंकल जी देख के हो गया था अभी स्वाहा, थोड़े से बचे हम, वीडियो में देखा होगा आपने, गाइस देखा वीडियो, देखा वीडियो कहीं तो काम है। हाँ गाड़ी के पीछे कभी नहीं था, देखो 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 कितना नहीं क्या कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, बढ़िया ब्रेक मारकर हमारा क्या, अरे भी तुझे वन बजाय जा रहे बताओ, वाह वाह वाह, चलो भाई चल रहे मंदिर, पापा जी ब्रेकर बचाते हुए हर, अरे 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 पास ही चल रही है, अरे अरे डिस्कशन सॉरी, अरे 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 ये अंकल और भयंकर है भाई, देख इधर बैकग्राउंड है ना, तो भाई हम पहुंचने वाले हैं अभी मंदिर, पहुंचने वाले को पहुंचे देखो प्रसाद ले लिया मंदिर मेरे हाथ में, मैं भाई मेरे को कमेंट में एक बार प्लीज पता बता देना कि मतलब माइक की आवाज कैसे आ रही है, और क्वालिटी नॉर्मल वीडियो से सही है या नॉर्मल सही है बिना मतलब, ये पक्का बता देना। इधर से देखो मैं आ गया मंदिर में आके बढ़िया से, हेलो सर, देखो देखो कितना भयंकर तूफान चल रहा है, अभी हम हैं मंदिर में,
और यहाँ पर कीर्तन हो रहे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं और लोग सब चले गए हैं और कृष्ण यहाँ पर जो है पूजा कर रहा है। चलो गाइस तब घर चलते हैं। और तब गाइस हम जैसे नित्य काम करते हैं ऐसे पूजा भी हमको रोज करनी चाहिए भगवान की, देवी देवताओं की। देखो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये सब चीज़ें हमको मंदिर है हनुमान मंदिर है। यहाँ पर गाइस यहाँ पर अभी दूसरे हनुमान जी की आरती कर रहे हैं और लड़का जी को संदेव की पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है पीपल का पेड़ और बारिश आ चुकी है भयंकर। और ये मंदिर है अठरूवाला में, बहुत अच्छी जगह पे है। यहाँ पर शिव जी भगवान का भी है, माता जी का भी है, राधा कृष्ण का भी है, पीपल का पेड़ भी है, सब है यहाँ पर। दुर्गा माता, काली माता, सब। गाइस बहुत भयंकर बारिश आ गई है, हम लोग कैसे जाएंगे, मोटी मोटे बूंद पड़ रहे हैं। ऐसे मंदिर में हमारे साथ एक बहुत अच्छा सा देखो, इधर देखो बारिश हो गई, बारिश धीरे पीछ रहा है, जैसे बारिश की बारिश हो गई। हम होटल में नहीं करना, मंदिर का हम मंदिर का होटल है, होटल में हाँ है। राधा कृष्ण की मूर्ति और यहाँ पर अमर ज्योति जल रही है, अमर ज्योति जलती रहती है गाइस। और बारिश आ गई है, हमने करना क्या है तो इसलिए हमने सुबह थोड़ा सा ब्लॉक ही बना लेते हैं। अभी भगवानों को पूजा कर दी है आज। और गाइस बारिश देखो, मंदिर में पोपट हो गया हमारे साथ। भगवान थोड़ा देर रुक जा, हमें घर जाने दो। तो गाइस हम थक गए, यहाँ पर पोपट हो गया हमारे साथ और भी फंसे हैं। पोपट नहीं गाइस, इसकी गलती से हुआ, एक किलोमीटर के हिसाब से बारिश आ गई। ये देखो ये भी, ये तीन भी फंस गए हमारी तरह। ये देखो भाई बहुत भयंकर बारिश आ रही है। देखो ये तो एक किलोमीटर, पैरा मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, जो जो भी फर्स है सर, सेंटीमीटर पर तक 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 क्या करें, हम बस कहाँ जाए। हम गई जाने तो गए, ये देखो तो बाहर लगे यहाँ पर, भगवान की बारिश बंद कर दो, दो मिनट के लिए बारिश बंद कर दो। बहुत भयंकर बारिश लगी, दिख तो रहा होगा ना, आवाज 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 बारिश की। बहुत भयंकर बारिश लगी हमारे मंदिर में। मैंने 5 मिनट पहले बोल दिया था, 5 मिनट पहले छत तो गई, मैं छत में था, थोड़ा पसीने से लथपथ हो रहा था, तो मैंने कपड़े कपड़े चेंज किए तब आया ना। पहले नहीं मानता ना, जो बाप का जन्म मना ही करते हो, बट बाप भी फंस गया। चल भाई देखते हैं, बारिश हल्की हल्की तो रुकने लगी मेरे हिसाब से, देखते नहीं चलते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तो भाई बाय बाय, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट पर्सन। और हाँ भाई एक चीज़ बताने भूल गए, हमारे जो चैनल है उसमें कितने परसेंट लोगों ने 47% सब्सक्राइब नहीं करा, तो वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर दे आज से भाई। 17 करोड़ पापा जी गाइस बहुत एडिटिंग कर थंबनेल बना रहे हैं आजकल। तो चलो चलते हैं यहाँ से, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक हाँ, अरे इसने बोला नहीं गाइस, लाइक मारना मत, हाथ कुछ आ गया दर्द हो रहा है, लाइक मारना मत भूलना, और सब्सक्राइब पक्का करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय 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 बाय। गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और ये देखो बीच से बिगाड़ पूरा ही गीला, मेरे तो बाल हो गए सारे ऐसे के तैसे। ये देखो ये नंगा बाबा हो गया है, देख लो, देखो कितना पानी आ रहा है, इतना भीग गए हम। सलवार भी दिखाऊं आपको, ये पूरा भीग गया, सब भीग गया। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करो भाई, पसंद आए ना आए लेकिन लाइन जरूर मारना गाइस, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, सब्सक्राइब पक्का करना, और चैनल पे नए हो तो कमेंट तो जरूर करना यार, से हां कर देना मेरे लिए, कुछ भी लिख दो, कमेंट कर दो, चल देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।